हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर किक। माय नेम इज़ हर्षित शर्मा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं AKTU के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस की कट ऑफ्स के बारे में। अगर आप UPTU काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस देखेंगे, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों तरह के कॉलेज होंगे इस लिस्ट में, और उनकी कट ऑफ्स देखेंगे कि पिछले साल कितनी रैंक पर वो कॉलेज अलॉट हो रहे थे और उनकी ब्रांचेस कितनी रैंक पर अलॉट हो रही थी। चल स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इन 10 कॉलेजेस के बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। IIT लखनऊ, KNIT सुल्तानपुर, BIIT झांसी, JSS नोएडा, AKG गाजियाबाद, गलगोटियास कॉलेज, काइट गाजियाबाद, GL बजाज, ABSEC गाजियाबाद और डॉक्टर AITH कानपुर। इन सारे कॉलेजेस का हम शॉर्ट रिव्यू काइंड ऑफ लेंगे। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली पिछले साल की UPTU काउंसलिंग की राउंड 4 की कट ऑफ्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो यार स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विदाउट फर्दर अडू। सो सबसे पहले आ जाता है हमारा IIT लखनऊ। दिस इज द टॉप कॉलेज विच इज अलॉटेड वाया UPTU काउंसलिंग। सो ये एस्टेब्लिश हुआ था 1984 में। अगर हम फीस की बात करें तो 1.3 लाख पर ईयर IIT लखनऊ की फीस होती है। एवरेज प्लेसमेंट यहाँ पर आपको 6 LPA का देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आप ब्रांच और जनरल कैटेगरी की कट ऑफ देख सकते हैं। ये राउंड 4 की कट ऑफ्स हैं, मैं दोबारा बता देता हूँ। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए 36,000 यहाँ पर रैंक गई थी। मैं अप्रोक्सीमेट रैंक बता रहा हूँ, आप एग्जैक्ट नंबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आपको ये डेटा चाहिए सो स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा हम आपको ये पूरी PDF ही प्रोवाइड करा देंगे वीडियो के लास्ट में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग सेल्फ फाइनेंस वाली आपको मिल रही थी 45,000 तक। स्पेशलाइजेशन इन AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको मिल रही थी 42,000 तक। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ECE ब्रांच 50,000 तक आपको अलॉट होती हुई दिख रही थी। अब यार बात करते हैं नेक्स्ट कॉलेज की तरफ, KNIT सुल्तानपुर के बारे में। इस्टेब्लिश हुआ था 1976 में। अगर हम फीस की बात करें सो फीस यहाँ पर होती है 80,000 पर ईयर और एवरेज प्लेसमेंट 5 लाख पर एनम। अब यार कट ऑफ्स देखते हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की कट ऑफ आप देख सकते हैं अराउंड 60,000 के आसपास है। IIT की बात करें सो वो 65,000 के करीब है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करें सो वो 85,000 तक भी कट ऑफ वहाँ पर गई। नेक्स्ट कॉलेज की तरफ चलते हैं, BIIT झांसी। इस्टेब्लिश हुआ था 1989 में। अगर हम फीस की बात करें सो 1 लाख पर ईयर BIIT झांसी की आपकी फ़ीस होती है। प्लेसमेंट की बात करें सो 5 LPA आपको यहाँ पर प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है। वहीं हम CSE के प्लेसमेंट की बात करें सो वहाँ पर एवरेज पैकेज आपको अच्छा देखने को मिल जाता है 6-7 LPA। कट ऑफ्स देखते हैं यार। सो CSE की कट ऑफ थी 58,000, अराउंड 60,000 की कट ऑफ है। IIT की 66,000, ECE की 80,000, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 1,13,000 के पास, और ये राउंड 4 की कट ऑफ्स हैं। राउंड 4 के बाद भी इंटरनल स्लाइडिंग होती है और स्पॉट राउंड्स भी होते हैं। सो काफ़ी सारी ब्रांचेस की आप देख लेंगे स्पॉट राउंड में कि काफ़ी ज़्यादा हाई रैंक पर भी आपको अच्छी ब्रांच अलॉट हो जाती हैं, बट हम यहाँ इस वीडियो में राउंड 4 की कट ऑफ्स की ही बात कर रहे हैं। BIIT झांसी के बाद यार बात करते हैं JSS नोएडा के बारे में। इस्टेब्लिश हुआ था 1988 में, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। फीस की बात करें यार सो फीस आपकी होती है यहाँ पे 1.3 लाख पर ईयर। एवरेज प्लेसमेंट की बात करें सो 4.5 LPA और CSE का प्लेसमेंट वहीं आपको देखने को मिल जाता है 6 LPA का। कट ऑफ की बात करते हैं यार सो AIML ब्रांच में आप देख सकते हैं 75,000 कट ऑफ जा रही है। CSE ब्रांच में 62,000, डेटा साइंस ब्रांच में 90,000 और भी काफ़ी सारी ब्रांचेज यहाँ पर प्रेजेंट हैं। ECE ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन यहाँ पर 2 लाख तक भी रैंक गई है। IIIE ब्रांच इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 7 लाख तक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 6.5 लाख तक और IIT में 96,000 तक भी आपको रैंक देखने को मिल रही। JSS नोएडा के बाद हम बात करते हैं AKG गाजियाबाद के बारे में, अजय कुमार गर्ग कॉलेज। इस्टेब्लिश हुआ था 1998 में। अगर हम फीस की बात करें सो 2 लाख पर ईयर यहाँ की फीस होती है। एवरेज प्लेसमेंट अगर हम देखें सो वही है 4.5 लाख और CSE का एवरेज 6 LPA। कट ऑफ्स देखते हैं यार सो AIML ब्रांच की कट ऑफ यहाँ पर आपको देख सकते हैं 2 लाख तक भी अलॉट हुई है। कंप्यूटर साइंस 1,32,000 तक, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 90,000 तक अलॉट हुई है। बाकी की ब्रांचेस देखते हैं सो CSE स्पेशलाइजेशन इन AIML आपकी अलॉट हो रही थी 1,14,000 तक। स्पेशलाइजेशन इन डेटा साइंस अलॉट हो रही थी 1,30,000 तक। रीजनल लैंग्वेज वाली कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग हिंदी लैंग्वेज में आपकी मिल रही थी 7 लाख तक। CSIT यहाँ पर एक ब्रांच है कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो अलॉट हो रही थी 1.5 लाख तक। IIIE ब्रांच की बात करें यार तो वो 7,38,000,
ईसीई की बात करें सो वो 5.5 लाख, आईटी की बात करें सो 1.7 लाख। एकेजी गाजियाबाद के बाद यार बात करते हैं गलगोटियास कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेटर नोएडा के बारे में। इस्टेब्लिश हुआ था 1998 में। फीस की बात करें यार सो 2 लाख पर एनम यहाँ पर आपको फीस देखने को मिलती है। और एवरेज प्लेसमेंट की बात करें सो 4 LPA यहाँ का एवरेज पैकेज है। अगर हम CSE का एवरेज देखें सो वहाँ पर आपको 6 LPA 5.5 LPA पैकेज देखने को मिल जाएगा। ब्रांचेस और जनरल कट ऑफ की बात करते हैं यार, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की कट ऑफ 85,000 है इस कॉलेज में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस जो ब्रांच हैं उनकी कट ऑफ यहाँ पर नहीं दी हुई है, क्योंकि हम यहाँ पर राउंड 4 की कट ऑफ देख रहे हैं। हो सकता है राउंड 3 में ही ये ब्रांचेस फिल आउट हो गई हों। और ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से ज़्यादा ही रैंक पर ये अलॉट हुई होंगी, अराउंड 1 लाख तक। IT ब्रांच का देखते हैं 1.5 लाख है। DSAI डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ब्रांच है वहाँ पर 2.5 लाख तक कट ऑफ गई है। AIML ब्रांच में 2.3 लाख तक कट ऑफ गई है। CSD कंप्यूटर साइंस एंड डिज़ाइन जो ब्रांच है वहाँ पर आपकी 2 लाख तक कट ऑफ गई है। ECE की बात करें सो 8 लाख तक ECE ब्रांच की कट ऑफ गलगोटियास कॉलेज में गई है। गलगोटियास के बाद यार बात करते हैं काइट गाजियाबाद के बारे में। सो फीस की बात करें यार सो वो 2 लाख पर ईयर आपको फीस देखने को मिलती है काइट गाजियाबाद में। एवरेज प्लेसमेंट की बात करें सो वही आपको 4.5 LPA एवरेज प्लेसमेंट दिखेगा ओवरऑल ब्रांचेस का। वहीं हम CS रिलेटेड या CS ब्रांच की बात करें सो वो 6 LPA तक आपको एवरेज प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगा। इस्टेब्लिश हुआ था 1997 में। अब देखते हैं कट ऑफ्स और ब्रांचेस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रांच में आप देख सकते हैं 1,60,000 तक कट ऑफ गई है। AIML ब्रांच में 1,34,000, कंप्यूटर साइंस में 1,44,000 तक भी आपको अलॉटमेंट देखने को मिल रहा था। CSE की बात करें सो 95,000 इज़ द कट ऑफ। कंप्यूटर साइंस एंड IT CSIT ब्रांच 1,90,000 तक कट ऑफ देखने को गई थी। EEE इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 8.6 लाख। ECE 6.9 लाख। IT 1.7 लाख तक भी कट ऑफ्स आपको पिछले साल देखने को मिल रही थी काइट गाजियाबाद के लिए। काइट गाजियाबाद के बाद यार बात करते हैं GL बजाज कॉलेज के बारे में। इस्टेब्लिश हुआ था 2007 में, काफ़ी एक रीसेंट कॉलेज है इस लिस्ट में। फीस की बात करें यार सो 2.2 लाख अप्रॉक्सीमेटली GL बजाज कॉलेज की जो फीस है वो आपकी होने वाली है। एवरेज प्लेसमेंट की बात करें सो वही 4 LPA सारी ब्रांचेस का ओवरऑल एवरेज पैकेज है। वहीं CSE वाली ब्रांचेस में आपको 6 LPA तक एवरेज पैकेज देखने को मिल जाएगा। कोर्सेज और कैटेगरी रैंक्स देखते हैं तो AIML जो ब्रांच है वहाँ पर आपको 3,53,000 रैंक देखने को मिल रही है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपको देखने को मिल रही है 1.5 लाख। CSE इन स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको देखने को मिल रही है 2.7 लाख। AIML स्पेशलाइजेशन 2.5 लाख पर। और बाकी की ब्रांचेस जैसे कि CSE स्पेशलाइजेशन इन डेटा साइंस आपको 3 लाख तक अलॉट हो गई थी। इन रीजनल लैंग्वेज यानी कि हिंदी वो 7 लाख तक अलॉट हो गई थी। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग हिंदी लैंग्वेज में 7 लाख तक अलॉटमेंट देखने को मिल रहा था। IT की बात करें यार तो वो 3 लाख तक अलॉट हो रही थी। ECE 8 लाख तक। EEE 7 लाख। GL बजाज के बाद यार बात करते हैं ABSEC गाजियाबाद के बारे में। स्टैब्लिश हुआ था 1988 में। फीस की बात करें यार सो फीस है 2 लाख पर ईयर ABSEC गाजियाबाद की। एवरेज प्लेसमेंट की बात करें सो 4 LPA प्लेसमेंट यहां पर देखने को मिल जाता है। वहीं CSE वाली ब्रांचेस में 6 LPA एवरेज पैकेज आपको देखने को मिल जाता है। बात करते हैं यार कोर्सेज और ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक्स के बारे में। AIML ब्रांच में आपको ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक देखने को मिल रही थी 2,18,000। कंप्यूटर इंजीनियरिंग CE यहां पर एक कोर्स है 2,90,000। कंप्यूटर साइंस में 2.5 लाख। CSE में 1,31,000 तक आपको कट ऑफ जा रही थी प्रीवियस ईयर में। डेटा साइंस वाली ब्रांच में 2,63,000 में। इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग 7 लाख तक। EEE ब्रांच 7 लाख तक। ECE ब्रांच 8 लाख तक। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो ब्रांच है वो 3 लाख तक आपकी अलॉट हो रही थी। इस लिस्ट में हमारे लास्ट कॉलेज के बारे में बात करते हैं, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, AITH कानपुर के नाम से आप इसे जानते होंगे। सो फीस की बात करें यार सो 95,000 यहाँ की फीस है। एवरेज प्लेसमेंट वही आपको 4 LPA देखने को मिल जाता है। इस्टेब्लिश हुआ था 1997 में। यहाँ पर ये ब्रांचेस आपकी प्रेजेंट हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें सो 81,000 पर वो राउंड 4 में अलॉट हुई थी। IT की बात करें सो वो 97,000 तक अलॉटमेंट आपको देखने को मिला था। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करें सो 1.5 लाख तक कट ऑफ गई थी प्रीवियस ईयर में। इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग यहाँ प्रेजेंट है जो कि
4 लाख तक भी अलॉट हुई थी प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स को। सो यार वी आर ओवर विद आवर लिस्ट, आपको ये PDF चाहिए डेटा के लिए, सो PDF हम आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे। आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का ज्वाइनिंग लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हम काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करते रहते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई सी भी काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, वेदर इट इज़ जोसा काउंसलिंग, UPTU काउंसलिंग, SBTU काउंसलिंग, जैक चंडीगढ़, जैक दिल्ली, IPU दिल्ली, आप हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं अपनी क्वेरी रिजॉल्व करने के लिए। नंबर्स आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक भी प्रोवाइड कराया है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन के साथ, ताकि हमारे एक्सपर्ट्स आपको खुद रीच आउट कर लें आपकी क्वेरी लेने की। सो यार इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड गेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।